नए साल से पहले घर से निकाल दें ये वस्तुएं, वरना पूरा साल रहोगे कंगाल। जी हाँ मित्रों, नव वर्ष के आने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। सभी की चाहत होती है कि नए साल में घर में माँ लक्ष्मी का वास रहे और सदैव उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। इसके अलावा धन की कमी कभी भी ना हो और धन दौलत में वृद्धि निरंतर होती ही रहे। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता रहे। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि अगर आपके घर में कोई भी अनावश्यक वस्तुएं हैं या फिर फटी पुरानी कोई भी चीज़ है तो उसे नए साल से पहले घर से बाहर निकाल दें। मित्रों, नया साल शुरू होने में बस कुछ ही दिन शेष हैं, अतः आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नए साल के शुरू होने से पूर्व घर से कौन सी वस्तुएं निकाल देनी चाहिए जिससे धन दौलत में वृद्धि हो और घर में खुशियां बनी रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल धर्मावचन को भी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए मित्रों, जान लेते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार नए साल के आगमन से पूर्व कौन सी चीजों को घर से बाहर कर देना चाहिए। नंबर एक, अगर आपके घर में टूटा हुआ कांच है या फिर कोई टूटा हुआ शीशा है तो नए साल से पहले इसे घर से बाहर कर दें। मित्रों, वास्तु शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि घर में टूटा हुआ कांच होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। नंबर दो, वास्तु शास्त्र में घड़ी का खास महत्व बताया गया है। अगर घर में खराब घड़ी है या फिर घड़ी टूट गई है या घड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है तो उसे नए साल के आगमन से पहले घर से बाहर कर दें, क्योंकि खराब घड़ी घर में होने से परिवार के सदस्यों की किस्मत पर बुरा असर पड़ता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। नंबर तीन, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे का होना शुभ होता है। अगर आपके घर में कांटेदार पेड़ पौधे हैं तो उन्हें जल्द ही घर से बाहर कर दें, क्योंकि घर में कांटेदार पेड़ पौधे होने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है और वास्तु शास्त्र में ऐसे कांटेदार पेड़ पौधों को बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर चार, अगर आपके मंदिर में भगवान की फटी पुरानी तस्वीर या फिर भगवान की खंडित मूर्ति है या फिर मूर्ति ज़्यादा पुरानी हो गई है तो उन्हें किसी तालाब या नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा माना जाता है कि खंडित मूर्ति की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती और घर में खंडित मूर्ति रखने से परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और घर में आर्थिक हानि भी होती है। तो जितना जल्दी हो सके फटी पुरानी तस्वीरें एवं खंडित मूर्तियों को तुरंत घर से हटा दें। नंबर पाँच, अगर घर में लगाई हुई तुलसी सूख गई है या फिर मुरझा गई है तो इसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें, क्योंकि सूखी हुई तुलसी आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है और साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। नंबर छः, घर में अगर कबूतर ने घोंसला बना रखा है तो इसे भी तुरंत ही हटा दें। मित्रों, क्योंकि वास्तु शास्त्र में कबूतर के घोंसलों को बहुत ही अशुभ बताया गया है, इससे आर्थिक तरक्की में रुकावट आती है, तो जितना जल्दी हो सके कबूतर के घोंसलों को हटा दें। नंबर आठ, फटे व पुराने कपड़े अगर घर में हैं तो इसे भी हटा दें, क्योंकि यह शुक्र ग्रह को बर्बाद कर देता है, इससे जीवन में आर्थिक परेशानी शुरू हो जाती है। नंबर आठ, फटे व पुराने जूते चप्पल को घर से तुरंत हटा दें, क्योंकि इन्हें घर में रखने से व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और धन दौलत में वृद्धि भी नहीं होती। नंबर नौ, घर में अगर महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव का चित्र, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, कब्र और कांटेदार वृक्षों के चित्र लगे हुए हैं तो इन्हें तुरंत ही हटा दें। इससे नकारात्मक भावों का विकास होता है जिससे
जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं और बुरी घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। नंबर 10, घर में खराब चार्जर, केबल, बल्ब जैसी कई बिजली संबंधी चीज़ें अगर पड़ी हुई हैं तो इन्हें भी तुरंत हटा दें, क्योंकि खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। नंबर 11, घर में अगर खराब ताले पड़े हुए हैं तो इन खराब तालों को तुरंत ही हटा दें, क्योंकि खराब तालों की तरह व्यक्ति की तरक्की भी रुक जाती है। नंबर 12, अगर आपके घर में टूटे फूटे बर्तन रखे हुए हैं तो इसे भी घर से तुरंत ही हटा दें मित्रों, क्योंकि टूटे हुए बर्तन दरिद्रता की ओर इशारा करते हैं, जिससे घर में अशांति बनी रहती है और धन में बरकत भी नहीं होती, बरकत मानो रुक सी जाती है। नंबर 13, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में टूटी फूटी हुई झाड़ू है तो इसे तुरंत ही बदल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने से परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास कम होता है और घर की सुख शांति में भी बाधा पहुंचती है। इससे आपको वित्तीय हानि भी हो सकती है और घर में दरिद्रता का भी वास हो जाता है। नंबर 14, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नए साल से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें और नई पुस्तक खरीद लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ जाता है। नंबर 15, कूड़ा कचरा। मित्रों, घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती। ऐसे में नए साल की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ सुथरा बनाकर रखना चाहिए। नंबर 16, अगर आपके घर में पानी की टंकी टूटी फूटी हो या फिर कोई नल टूटा हुआ हो जिससे पानी लीक होता हो तो उसे भी तुरंत ही बदल दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके जीवन में आर्थिक तंगी आ सकती है।